चलो एक आता एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, जनरली हम कॉस प्रोडक्ट से यूज करते हैं। ठीक है, जनरली हम और ऐसे भी और भी तरीके हैं, ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, साइन से निकाल सकते हो, पर ये सबसे आसान है अगर डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है ए डॉट बी, एंड दैट इज उनका मैग्नीट्यूड, ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो डॉट ले लो, डॉट लेने सबको आता होगा, ए का आई का आई, जे का जे, के का के, थ्री आई से फोर, थ्री आई में मल्टीप्लाई करोगे तो नाइन, ठीक है, थ्री आई से थ्री में मल्टीप्लाई करोगे नाइन, फोर से फोर में मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्सटीन, और माइनस ट्वेंटी फाइव, फाइव से फाइव में मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेंटी फाइव, और डिवाइडेड बाई इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वो हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऊपर जीरो आ गया, तो कुल मिला के जीरो आ गया। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, थ्री का स्क्वायर फोर, ठीक है, थ्री का स्क्वायर नाइन, सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव, मतलब फिफ्टी, तो फिफ्टी अंडर रूट, फिफ्टी अंडर रूट, तो ये फिफ्टी आ जाएगा। ठीक है, जीरो अपन फिफ्टी, तो कुल मिला के जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस थीटा जीरो के इक्वल है तो कॉस नाइन्टी जीरो की वैल्यू होती है, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू नाइन्टी, थीटा की वैल्यू नाइन्टी ही होगी भाई, है, हाँ, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है।